दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एरोमा क्रेजी और एरोमा टाइटेनियम का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, फुल कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ। एक्चुअली प्राइस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी मैं करता हूँ कि प्राइस के हिसाब से अगर आपको नहीं मिले तो क्या कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा आपको कंसिडर आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ आपको पता चलेगा। इस वीडियो में दोनों की कंपैरिजन करूँगा। इस वीडियो में मैं दोनों का साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, बैटरी, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है आपको और कौन सा केबल आपको लगेगा इसमें, वो भी मैं बताने वाला हूँ, सभी चीज़ बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या, बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको एयरफोन मिलेगा और हो सकता है तो आपको एक एयरबड्स का जो होता ना, जो क्या बोलते हैं उसे, रबर मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको माइक्रो यूएसबी से आप चार्ज कर सकते हो। माइक्रो यूएसबी जो केबल होता है वो आपको पता है कि जो नॉर्मल टाइप सी नहीं होता, टाइप सी इसमें नहीं मिलता है, इसमें सब में माइक्रो यूएसबी ही है। इसमें आपको तीन बटन्स मिलेंगे, बीच का बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये रेड और ब्लू लाइट एक साथ ब्लिंक होगा। तो उसके टाइम में क्या होगा ना कि जब वो दोनों एक साथ जब ब्लिंक होगा ना, तब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देना और आपको क्या होगा कि कॉल करने का, कॉल का आपको एक्सेस मांगेगा। तो कॉल अगर आप एक्सेस अगर आप उसे देते हो तो आपको उसके अंदर कॉल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई, अब चीज़ मैंने आपको बता दिया कि बॉक्स में क्या मिलता है। बॉक्स में यूएसबी केबल आपको नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल यूएसबी चार्जर है उससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर चार्ज करने में आपको लगेंगे 3 घंटे दोनों को ही। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि देखो, 3 घंटे चार्ज करने पर आपको एक दे रहा है 15 आवर का बैटरी बैकअप और दूसरा दे रहा है आपको 48 आवर का बैटरी बैकअप। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों की बात करूँ तो 15 आवर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि फिर ये कोई वर्थ करेगा, बिकॉज आपका ऑलमोस्ट आपका 3 आवर आपका खर्च हो रहा है और 15 आवर ही आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यार, बैटरी बैकअप सिर्फ आधा दिन का मिलेगा आपको क्रेजी में और यहाँ पर आपको मिलेगा कम से कम 2.5 दिन का। तो बैटरी के मामले में से कॉल क्वालिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ब्लूटूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो माइक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस हिसाब से काफ़ी सही है, कॉल क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी सही लगा, मतलब मेरे हिसाब से कॉल क्वालिटी के अंदर सभी एयरफोन्स अच्छे काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। यहाँ पर बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो भाई लगभग साउंड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ मी बेसिक एयरफोन के साथ दोनों का ही है, थोड़ा सा स्मूथनेस टाइटेनियम में ज़्यादा है, अदरवाइज़ दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है कि भाई ऑन कैसे करूँ, कनेक्ट कैसे करूँ। तो भाई ऑन करने के लिए बीच का बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, ब्लू और रेड लाइट दोनों एक साथ ब्लिंक करेगा तब आपको उसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखो 20% में आपको लो इंडिकेशन का ये देगा, सिग्नल देगा तो वो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मतलब समझो कि आपको 80% की आपको बैटरी मिले, 20% में बार बार लो इंडिकेशन बोलते बोलते फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा, अगर आप कुछ देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह में। तो बेसिकली यूट्यूब एक्सपीरियंस आपका, बाकी जितने भी जो है एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि जब वायरर नहीं हो, जब वायर नहीं हुआ ना, तो आपको ऐसा एक आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे आप वायर का एयरफोन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार फोन से दूर नहीं आ सकते, लेकिन जब आप बिना वायर का एयरफोन यूज़ करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो अलग ही आपको फील होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एयरबड की तरफ ज़्यादा फोकस करो। लेकिन आपको अगर आपका बजट इतना है तो भी आपको, मैंने एयरबड के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा, वो भी आप चेक करो, क्योंकि एयरबड ज़्यादा हल्का है, ज़्यादा आपको कंजस्ट नहीं होगा।